So hello guys, welcome back to another very important video session from your own YouTube channel NEET UG in 10. I'm your friend Vipin Kumar Sharma, and here in this particular video we are going to differentiate the chordates from non-chordates. यानी हम chordates को non-chordates से यहाँ पर differentiate करने वाले characters के बारे में बात करने वाले हैं. So as the name indicates, chordates में एक character होगा जिसका नाम है chord, यानी कि the presence of notochord जो कि mesodermally derived होती है, और non-chordates में ये जो notochord होती है ये क्या होगी, absent होगी. So this is not only the single character जो कि chordate और non-chordate को differentiate करता है, इनके अलावा भी काफ़ी सारे characters होते हैं जैसे कि nerve chord, इसके अलावा आपकी pharyngeal gill slits और इसके साथ साथ post anal tail. ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो आज की वीडियो में हम इन चारों कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएं. So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just have to click on Get Subscription. और जैसे ही आप लोग Get Subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. इसमें से I'll recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करो, क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हो. समझ लीजिए कि आप 1 महीने का एक पैक खरीदते हैं, विपिन नाम का कोड लगाते हैं, 10% डिस्काउंट मिलता है, तो भी 5400 रुपये आपको पर मंथ पे करना होगा. लेकिन वहीं पर अगर आप 2 साल का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड लगाते हैं, 10% डिस्काउंट पाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर मंथ. यानी कि यहाँ पर आप अपनी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर सब्सक्रिप्शन पैक. इसके साथ साथ अगर आप विपिन नाम का ये सब्सक्रिप्शन कोड लगाते हो तो यहाँ पर मैं आपको अपनी बुक की एक्सक्लूसिव ऑथर साइंड स्पेसिमेन कॉपी आपके घर पर भिजवाऊंगा एज अ गिफ्ट. सो अगर आप 1 साल 2 साल का पैक लेते हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो जिससे मैं आपका गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकूं. और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे आप मेरे 1 साल के फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम में डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस कोड का भरपूर इस्तेमाल करें. नाउ गाइस, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. फाइलम कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा में मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया है, दैट इज सिंपली द कॉर्ड. इट मींस दैट मैं यहाँ पर नोटोकॉर्ड की बात कर रहा हूँ. सो कॉर्डेटा में एक कैरेक्टर तो पक्का ही पक्का होगा जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है इनका, विच इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. लेकिन इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. यानी कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपकी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी. तो जो नॉन कॉर्डेट्स होंगी उनमें क्या होगा, उनमें जस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा. नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, डॉर्सल का अपोजिट क्या होता है, वेंट्रल. हॉलो का अपोजिट क्या होता है, सॉलिड. सो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की जगह आपका क्या होगा, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा. और यहां पर कॉर्डेट्स में इट इज सिंगल इन नंबर, यहां पर क्या होता है, इन नॉन कॉर्डेट्स ये वेंट्रल सॉलिड और डबल हो जाती है. सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर जिस हिसाब से आप लोग कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपकी प्रेजेंट होंगी इन कॉर्डेट, यानी कि नॉन कॉर्डेट के अंदर एब्सेंट होंगी. सो दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. आपके फाइलम कॉर्डेटा जो होगा बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा. क्यों? क्योंकि रेडियल कौन कौन था, सिर्फ सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म, उसको छोड़ के सारे बायलेटरल थे. ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थस और उसके बाद सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. सीलोमेट आपके जो एस्कलमिन्थस थे विच आर सूडो सिलोमेटिक इन नेचर, उसके बाद जितने भी आपके फाइलम से सारे सिलोमेट हैं, तो कॉर्डेटा भी होगा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद एस्कलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है. यहां पर पोस्ट एनल टेल, यानी कि जो आपका एनस है इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज द एनस. सो इस एनस के बाद का जो रीजन है वो टेल में काउंट होता है. सो इसे आप लोग बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट. ओके, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज द टेल एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल इसे कहा जाता है एक पोस्ट एनल टेल जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड. आपको अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता है, यू आर ऑल्सो अ कॉर्डेट. आपकी बॉडी में आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है. सो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरऑल क्लोज होता है क्योंकि इसमें वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है. यहाँ पर आप कुछ सेलियंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन द नेक्स्ट टेबल. पहले मैं आपको ये जो है हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पर द पोर्शन विच आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ, it is the nerve cord. Okay, the thing that I am highlighting right now, it is the nerve cord. Okay, पीछे तक ये आपका nerve cord है. इसके नीचे जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं अभी, it is the notochord. तो nerve cord आपकी ऊपर प्रेजेंट रहती है और नोटोकॉर्ड आपकी थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट रहती है। तो मोर डॉर्सल सरफेस पे कौन प्रेजेंट है? मोर डॉर्सल आपका नर्व कॉर्ड है और लेस डॉर्सल आपका नोटोकॉर्ड है। यहां पे पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ओके, गिल स्लिट्स हैं ये, और किस रीजन में प्रेजेंट है? फेरिंग्स के रीजन में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, फेरेंजियल क्यों यूज किया गया वर्ड? क्योंकि ये फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट है। और एनस के बाद जितना भी पार्ट है ये आपका पोस्ट एनल टेल में काउंट किया जाता है। सो अब इन चारों कंपैरिजन को देख लेते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहां पर एब्सेंट, ये पॉइंट हो चुका है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यानी आपका नर्व कॉर्ड जो है ये डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। यहां पर आपका वेंट्रल, डबल और सॉलिड आपका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स। ओके, फेरिंग्स जो है इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, यहां पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। हार्ट जो है आपका वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, यानी वेंट्रल साइड आप इसे आगे से छूकर पता करते हैं, ना कि पीछे से। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा दिल धड़क रहा है तो मैं आगे हाथ रख के बोलता हूं, ना कि मैं पीछे हाथ रखता हूं पीठ की साइड, बिकॉज इट इज वेंट्रल। बट अगर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट होगा तो ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिफरेंस। एंड पोस्ट एनल टेल यहां पर प्रेजेंट होती है जो कि आपकी नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। सो दीज आर द 5 मेजर कैरेक्टर्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज को एनालाइज करने के लिए। सो गाइज, जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें और स्क्रीनशॉट ले लें, आप मुझे ओजोन क्लासेस नाम के मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, और आप विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी भेज सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। प्लीज़ विपिन नाम के सब्सक्रिप्शन कोड को यूज़ कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ नीट यूजी इन 10, तो प्लीज़ उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में और आपको भी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।